जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद सैकड़ों मकान गिराने की तैयारी है, लेकिन जो लोग बरसों से वहां रह रहे हैं उनके सामने मुआवजे और पुनर्वास का सवाल है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अदालत ने सुनवाई न करते हुए सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट पहले ही मामले की सुनवाई कर रहा है, ऐसे में हाईकोर्ट को सुनवाई करने देना चाहिए, कार्रवाई में दखल देने की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता पुनर्वास और मुआवजे की मांग हाईकोर्ट में रख सकता है, हाईकोर्ट इस मांग पर भी विचार करे। उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ है, जिसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जो डीएम के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था कंस्ट्रक्शन पर, उसको हाई कोर्ट ने कहा है कि उसको जो है लागू करवाया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब हाई कोर्ट सुन रहा है, तो आप लोगों को भी हम लिबर्टी देते हैं कि हाई कोर्ट में ही एक व्यापक पिटीशन रिलीफ के लिए भी फाइल करिए, उसको भी वो सुनेंगे। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से जी। अभी अभी निर्देश मिला है कि पिटीशन तैयार किया जाए, रिट पिटीशन और व्यापक पिटीशन उत्तराखंड हाई कोर्ट में अविलंब दाखिल किया जाए। जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी याचिका का विरोध किया, कहा जो भी याचिका में मांगा गया है वो सब कदम सरकार उठा रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।